आप साथियों, मैं भूप सिंह। साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि मैंने कोशिश बहुत की है और अब फिर एक आखिरी कोशिश और भी कर रहा हूं कि साथियों, कल हम सभी लोग सीएम केजरीवाल के पास जाएंगे। उनके पीए ने हमें मिलने का टाइम दिया है और अभी आप लोग ये सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो उनसे बातचीत हुई कि ऑडियो उनके पीए की मैं आपके पास डाल रहा हूं। उनके पीए ने, केजरीवाल के पीए ने कल हमें 9 बजे वहां बुलाया है। अतः मैं गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग विधानसभा मेट्रो स्टेशन पहुंचकर फ्लैग स्टाफ रोड कोठी नंबर 6 पर पहुंचने का कष्ट करें। साथियों, ये आखिरी मौका है, मैं बार बार नहीं आऊंगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। जिनको ये लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उन लोगों के साथ हम अपने प्रूफ दिखाएंगे कि सर देखो, ऐसा हम लोगों के साथ हुआ है। यह एग्जाम कहीं से भी फेयर नहीं है। तो साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का साथ, आप लोगों का दुख दर्द समझने दूर करने की। साथियों, आप सभी को आना पड़ेगा, अकेले से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग नहीं आए थे पिछली बार, इसलिए अब ये दुख झेल रहे हो। अगर आगे भी नहीं आओगे तो इससे भी बड़ा ये दर्द झेलोगे कि काश मैं अगर वहां होता तो ये आज ये हो गया होता। तो साथियों, कल 9 बजे आपको फ्लैग स्टाफ रोड कोठी नंबर 6 पर मुझसे मिलना है। हम सभी लोग केजरीवाल सबसे मिलेंगे, देखते हैं वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हमारी क्या मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो जी, गुड आफ्टरनून सर, ये अमित मिश्रा जी सर बोल रहे हैं जी। सर नमस्कार, सर मैं भूप सिंह बोल रहा हूँ। सर आपसे मैंने थोड़ी देर पहले कॉल की थी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था सर जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो DSSP का जो सर ये पेपर हुआ था ना सर, उसका सर सर बात हो गई है ना कि कल सुबह आपको आना है 9:30 बजे। सर आप पक्का सर केजरीवाल सर से मिलवा देंगे ना सर? मैं मैं क्या हूँ, सुबह सुबह मिलते ही हैं लोगों से। तो सर कितने बजे आए सर हम लोग? सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे तो सर वो प्रूफ भी लेके आए फिर हम लोग जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके सर।